हेलो एवरीवन, तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, नए ट्विस्ट के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों स्पेशल। आज हम बनाएंगे पंचरत्न हलवा, वो भी कुकर के अंदर बहुत ही इजी तरीके से। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इन जल शाही पकवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे पंचरत्न हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बीटरूट, 1 कप कैरेट और 1 कप हमने लिया है लौकी। तीनों हमने यहाँ पे 1-1 कप लिया है, सेमी पोर्शन में हमने लिया है। तो अब हम यहाँ पे कुकर में बनाने वाले हैं हलवा। तो हमें जिसमें घिसने की ज़रूरत है, ना ही हमें मिक्सी में क्रश करने की ज़रूरत है। तो कुकर के अंदर हम यहाँ पे डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं घी। तो घी यहाँ पे मेल्टेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा कम डाल रहे हैं। अगर मेल्टेड है तो आप 4 या 5 टेबलस्पून डाल सकते हैं। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाता है तो अब तीनों चीज़ें मिक्स कर देंगे घी के अंदर, और 1 मिनट तक हम उसको मीडियम फ्लेम पर हम उसको रोस्ट करना है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें उसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। ऐसे ही अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 कप हम यहाँ पे डाल रहे हैं दूध। तो हम यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप हमें यहाँ पे दूध डालना है। और गैस की फ्लेम हम यहाँ पे लो कर देंगे, दूध को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, और जो प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हम बंद कर देंगे, और उसको 4 से 5 व्हिसल तक हम उसको पकाएंगे। और जो गैस की फ्लेम है वो हमें लो रखनी है। तो बीट रूट है, इसकी वजह से हमें थोड़ी सीटी ज़्यादा रखनी पड़ रही है, 4 to 5 व्हिसल लगाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से पक गया है, और जो हमारा दूध है वो भी फट गया, एकदम क्रीमी पनीर जैसा बन गया है। तो अब हम यहाँ पे मैशर की हेल्प से उसको मैश कर देंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैश करने में। तो आप देख सकते हो कि अब अच्छी तरह से ये मैश होता जा रहा है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम मैश करते जाएंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये कुकर के अंदर बनाया है, और बहुत ही क्विकली बन जाएगा। उसका टेस्ट भी जैसे हम हलवा बनाते हैं रेगुलर, ऐसे ही उसका टेस्ट भी आएगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, जैसे हम कद्दू क्रश करते हैं, बस सेम ही टेक्सचर आ गया है इसका। तो मैं यहाँ पे बताना भूल गई हूँ कि जब हम मैश कर रहे हैं हलवे को, तब हम यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो हमें ऑफ़ कर देना है, और मैश हो जाए उसके बाद फिर से हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। और हम यहाँ पे डाल रहे 2/3 कप हम यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं, और 2 टेबलस्पून और हम यहाँ पे घी ऐड करके पूरा हम मिक्स कर देंगे। तो हमें तब तक उसको मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है जब तक ये चीनी है उसका जो पानी बन जाएगा, तो वो पानी पूरा जल जाए तब तक हमें उसको पकाना है। आप चाहे तो थोड़ी फ्लेम भी हाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा हलवा है बिल्कुल शाइनी वाला बन गया है चीनी और फिर से घी डालने से। तो ये उसका जो पानी है वो बिल्कुल जल गया है, सिर्फ घी बाहर आ गया है उसका। तो अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे सॉरी 2 इलायची हम डाल रहे हैं क्रश करके, और यहाँ 50 ग्राम जितना हमने मावा डाला है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना है तो भी चलेगा, और अगर आपको चीनी के जगह पे कंडेंस्ड मिल्क डालना है तो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो मावे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम, काजू, किशमिश, और हम यहाँ पे थोड़े से खजूर भी चॉप करके डाल रहे हैं। तो ये हमारा जो पंचरत्न हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, जैसे शादियों में मिलता है और मार्केट में मिलता है, हलवाई की शॉप पे मिलता है, बस इसी टेक्सचर से हमारा घर पे हम क्विकली बन गए। तो हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और गार्निश कर रहे हैं मावे से, ड्राई फ्रूट से, खजूर से। तो आप भी घर पे ज़रूर बनाना पंचरत्न हलवा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ये वाला वीडियो। तो मिलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।